की वेट है जयदाद। अब सीखिए उससे चालू कर लेते। वो यस आपके स्कूल में आ रहा है इक्विलिब्रियम, सर। उसको कर लेते फिर हम। अच्छा सक्षम भी आ गया, नाम लेती हूँ सक्षम जैन, यस शुरू करें। शुरू सर। करें, ये चैप्टर ध्यान से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इलेवंथ के लिए भी। इलेवंथ से जो भी होगा हो सका, आगे कंपटीशन करना उसके बगैर काम नहीं बनेगा कभी भी। मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है जानते हैं? हाँ ना बोल दिया करो ना, नहीं जानते तो पारस है नो सर। नोट। हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में करेंगे। पहले से बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले हम करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है पहले इसको लोग समझ लेते हैं। आपने देखा होगा या फिल्मों में भी देखा होगा, अगर कोई पैराशूट हवाई जहाज से गिरता है तो क्या होता है, वो गिरता चला जाता है, फ्री फॉल है ना। यस सर। फिर एक जगह के ऊपर उठने लगता है झटके से, जो से पैराशूट खुल जाता है, उसके बाद वो फिर वो कॉन्स्टेंट हो जाता है ना, वो गिरता ना ऊपर चढ़ता ना नीचे उतरता, नहीं बस नहीं जितना ऊपर खींचता उतना नीचे आता है। वो जो स्टेट होती है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। समझ में आया पारस? आ गया सर। जैसे कि पारस आपका वेट कितना है? सर याद नहीं मोटे हो पतले हो? सर, मोटा हूं मैं। मोटे हो ना, पारस मोटे ही होते हैं। तो मान के चलो आपका वेट है सपोज 70 सपोज, लेकिन आप वेइंग मशीन में खड़े होंगे तो खड़े होते आपका वेट आ जाएगा मशीन में 80, और एकदम से मशीन में वेट आ जाएगा फिर 60, फिर एकदम से आएगा 75, फिर 65, फिर ये 70 और ये भी 70। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। कम ज्यादा होते होते जहां रुक जाती मशीन उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये बात समझ आई? यस सर। जैसे कि अगर पानी को बॉईल करना चालू करो, पानी लो उसके अंदर थर्मोमीटर डाल दो, बड़ा थर्मोमीटर डाल दो उसके अंदर, और नीचे से इसको हीट दो, पानी गर्म होता जाएगा, थर्मोमीटर रीडिंग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे ये 100 पहुंचेगा, कितना हीट दे दो 100 के ऊपर नहीं डाबेगा ये, ना 100 से नीचे आएगा, ये हीट देते रहोगे यहीं के हीट करेगा, इसको बोलेंगे बोले इक्विलिब्रियम। समझ में? यस सर। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन चलते चलते इक्विलिब्रियम पर आता है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैंने पैराशूट पहले नीचे गिरता जाता है, फिर ऊपर उठने लगता है, फिर इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। वेट तुम्हारे से बहुत ज्यादा आ जाता है, कम हो जाता है, ज्यादा कम होते होते इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। ये स्टेट है क्रिएशन किसी काम की होने की। ऐसे इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बात सुनिए आपको, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक होता है चीज, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके मुताबिक
rate of a chemical reaction is directly proportional to the active masses, इसके मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है? ये बात समझ आ गई आपको? गुण सर मास एक्शन वाली नहीं आई अभी. ऐसा है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इतना बस समझ लो. अभी आ जाएगी समझ में, ना भी समझ आए चल जाएगा काम इसमें यार, ठीक है? अगर हम बोलेंगे ए प्लस बी सी प्लस डी, रिएक्टेंट क्या है इसके अंदर सर? ए और बी. ए और बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. ओके सर. इसको कह सकते हैं के एफ कॉन्स्टेंट ए बी. इस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या हो गया? सी और डी. हाँ, तो अभी रेट क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड रेट हो गया. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी डी इज इक्वल टू के बी सी डी. ये बात समझ आ गई आपको? यस सर. एट इक्विलिब्रियम, मैंने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, तो हमारा ये बन जाएगा के एफ ए बी इज इक्वल टू के बी सी डी. यस सर. तो एक इसको डबल क्या नोट किया आपने? यस सर. सुना दूं बस? यस सर. तो हम लोग लेते हैं बाय कन्वेंशन के एफ बाई के बी, इसको लेते हम लोग के सी के, और ये कितना हो जाएगा सी बी ए बी. ये बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई? मतलब एक बात मतलब कंपटीशन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केएफ और केबी की वैल्यू दे देते हैं और बताते हैं केसी वैल्यू बतानी है, तो सिंपली केएफ बाय केबी, केबी बाय केएफ नहीं करते, ये कन्वेंशन है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? यस सर. गुण आपको? यस सर. इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हटा दो उसको, पूरी शीट को. सक्षम जैन? यस सर. चलिए हटा देते हैं. अगर हमारा रिएक्शन इस तरह से हुआ ए ए बी बी सी सी प्लस डी डी, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये रेट सॉरी के सी इज इक्वल टू सी रेस टू पावर सी डी रेस टू पावर डी ये बात समझ आ गई आपको?
यस सर। इतने कुछ डाउट है क्या? सर एबीसीडी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। हाँ, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है सर। ठीक है, अभी आप जैसे अगर मैं लिखता हूं एन टू प्लस थ्री एस टू, टू एन एस थ्री, इसलिए किसी क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सर क्या लिखा है? एन टू प्लस थ्री एस टू गिव्स टू एन एस थ्री। एन टू गैस प्लस थ्री एस टू गैस गिविंग राइज टू टू एन एस थ्री गैस। तो केसी विल बी थ्री स्क्वायर, हाँ, एन एच थ्री स्क्वायर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, ये इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन। ये बात समझ आई? जो लिखते हैं उसका कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय एन टू प्लस एच टू क्यूब इनटू, सॉरी, एन टू एच टू क्यूब। ठीक है, एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज खोलो प्लीज, और लिखो क्वेश्चन नंबर 7.13 लास्ट सेक्शन में। मिल गया? यस सर। कर रहे हो? यस सर। करो करो साबर। हाँ, 12 हो पाएगा ना? ये हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। सक्षम सक्षम यस सर। हो गया? नहीं सर, खोल रहा हूँ वो नंबरिंग अलग है ना। अरे क्वेश्चन नंबर वही आएगा 7.13। नहीं सर, 13 पे ही नहीं है, मतलब अलग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है। क्या लिखा आपके 7.13 में? A liquid is in equilibrium with its paper in a sealed container at a fixed temperature. नहीं नहीं नहीं, ये एक्सरसाइज में ना? Yes sir. 7.13. क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए रिएक्शन इज केसी इज इक्वल टू एन एच थ्री की पावर कितना है? सर फोर। फोर ओ टू रेस्ट पावर फाइव, एन ओ रेस्ट पावर फोर,
और H2O raised to power 6. इसके लिए मुझे करनी है इक्वेशन. अच्छा ये मिल गया क्वेश्चन सच्चा आपको? यस सर. हाँ यस सर मिल गया. आप कर लोगे? यस सर. आपका हो गया कौन? यस सर. क्या लिखा आपने? 4NO प्लस 6H2O लीड्स टू 4NH3 प्लस 5O2. शाबाश. पारस आपको भी यही है? सर सारे गैस में होगा मतलब सेम फेज. हाँ सेम फेज मतलब तो सब के में गैस लिख देना. हाँ ठीक है सर. लिखो ना क्वेश्चन में कांस्टेंट इक्वेशन फॉर ए गैस रिएक्शन. ठीक है सर. इक्वेशन लिखा हुआ सक्षम हो गया. हो जाएगा ये सर. फिर स्टेट देना होता है सबका. हैं फिर सबका स्टेट देना होता है. दे दो अच्छा रहता है. अच्छा ओके सर. ठीक है हरा दो उसको. यस सर. अभी आप करो क्वेश्चन नंबर 7.2. हो जाएगा. सर इसमें जो वो दी हुई है कंसेंट्रेशन वो पुट करनी होगी. हाँ ओके. मतलब हमारे क्वेश्चन इसमें केसी के लिए भी आ जाएगी. SO3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई O2 एंड SO2 डॉट 3. इन सब क्यों दे रखी आपको? ये वैल्यू पुट करनी और आंसर निकाल देना है. समझाया? यस सर. पारस आ गया सर. ना दू? हाँ जी. चलो लिखो कैरेक्टर स्टिक्स. सर एक और डाउट है मेरा उसको. हाँ न्यूमेरिकल में केसी फॉर रिएक्शन टू HCl गिव्स राइज टू H2 प्लस Cl2. क्या 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 बता रहे हो? बुक का क्वेश्चन कैसे है? बुक का नहीं है. अब बताओ क्या है क्वेश्चन? क्या है? केसी फॉर द रिएक्शन टू HCl टू HCl गिव्स राइज टू H2 प्लस Cl2 H2 प्लस Cl2 जी इज मतलब गैसेस में इज 4 × 10⁻³⁴ −34 एट 25 डिग्री सेल्सियस. हां कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन half H2 plus half Cl2 gives rise to HCl. Half H2, half Cl2, give rise to HCl. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को आप रोक के रखो मतलब 10 मिनट के लिए. हम अभी आ रहे हैं इस क्वेश्चन पर. ठीक है. okay. मैं इसको अगली शीट खोल देता हूँ. इसको दोबारा खोल दूंगा मैं. लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर. जो अभी 7.2 कर रहा है उसका आंसर क्या आ रहा है सर? आप निकालो मुझे क्या मालूम. सर मैंने निकाला मेरा तो अलग आ रहा है. सेम चीज में डाल गुना का क्या आंसर? सर अभी निकाला नहीं मैंने. यह 1.90 × 1.90
डिवाइडेड बाई 0.82 इंटू 0.60 इंटू 0.60 ये करना आपको सर, दिख गई गलती मेरे को, हो गए हाँ हटा दूं हाँ चलिए करेक्टर्स योग केसी नंबर वन लिखो ओ सॉरी नंबर वन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज रिवर्स then the KC gets inverse. ठीक है, मतलब A plus B, C plus D, इसके लिए KC था और C plus D, A plus B, इसके लिए K dash C होगा, तो K dash C is equal to 1 by KC. ठीक है, समझ में आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7.6 देखो बुक का, सेक्शन देखो 7.6। तो 6.3 इनटू 10 की पावर कोडिंग वाला है। 6.3 इंटू 10 की पावर 14 वाला है। हाँ। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इतना जितना हमने बोला है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 1 बाई इतना हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया क्या? हमें पूछ रहे हैं व्हाट विल द केसी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ये इनवर्स हो जाता है, तो 1 बाई लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया गुण? आ गया सर। यस सर, आपको भी आ गया ना, बोल के रहो ना, आगे बढ़ू मैं। 1/6.3 इंटू 10 रेस टू द पावर 14 हो जाएगा। हाँ, समझ में आया ना? यस सर। चलो, यस सर। 1000 केल्विन का क्या लेना देना उसमें? हैं? 1000 केल्विन का क्या काम है उसमें? कुछ नहीं, बस उसी टेम्परेचर पर होना, कहने का मतलब ये है टेम्परेचर चेंज हुआ। ओके सर। नंबर टू लिखो, इफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन गेट्स डबल्ड देन के डैश सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ के सी। ठीक है, जैसे पहले था ए प्लस बी सी प्लस जी, इसके लिए था के सी। अगर पहले टू ए प्लस टू बी टू सी प्लस टू डी तो के डैश सी, तो के डैश सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ के सी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसी को आगे बढ़ाएं, इफ गेट्स ट्रिपल्ड देन के डैश सी इज इक्वल टू के सी का क्यूब, इफ गेट्स हाफ देन के डैश सी इज इक्वल टू के सी रेस्ट पर 1/2। ये बात समझ आई?
इन जनरल ए प्लस बी सी प्लस डी वो के सी अगर एन लगा देंगे एन ए प्लस एन बी एन सी प्लस एन डी तो के डैश सी तो के डैश सी इज इक्वल टू के सी रेस्ट पावर एन डबल होगा तो डबल हाफ होगा तो हाफ ट्रिपल होगा तो ट्रिपल ये बात समझ में आ गई यस सर गुण यस सर सक्षम यस आ गई समझ आ गई चल अब हम पारस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं ये था इसमें क्या हो रहा है एक तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इनवर्स हो गई उल्टा हो गया मान के चलो ये था केसी तो इसके लिए क्या हो जाएगा वन बाई केसी और ये हाफ भी हो गए सारे तो इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू के डैश समझ में आ गया पारस आपको सर किसी और का क्वेश्चन था लेकिन मैं समझ आ गया आ गया हाँ जी बस ठीक गुण आपको यस सर हटा दूं यस सर चलिए अब लिखो थर्ड इफ रिएक्शन can be expressed as the sum of two reactions having equilibrium constant as K1 and K2, then the value of KC will be K1 into K2. ये बात समझ आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. हटा दूँ? फोर्थ लिखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान रखना एसी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली दैट इज इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस with the increase or decrease in the temperature. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सुनता रहा हूं इसको ध्यान रखना ठीक है ये क्लियर हो गया यस सर आगे लिखो applications of KC it gives an idea about the extent of reaction if KC is greater than 10 to the power 3 then the reaction is more
towards the products and the reactants are present in very less amount. If TAC is less than 10^-3, then the reaction is more towards the reactants and the products are present in very less amount. ठीक है लिख लिया. लिख लिया. यस सर. करा दूं परस. यस सर. इफ केसी इज बिटवीन 10^-3 टू 10^3, देन बोथ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स शेल बी इन द सिग्निफिकेंट अमाउंट. Both the reactants and the products. लिखिए. यस सर. 7.32 निकालो. सर आंसर सी पार्ट है. सर मैं आपको क्यों है. हाँ जी सर. आपको गुण. यस सर. सक्षम जैन. यस सर. हो गया. यस सर. तो सेकंड एप्लीकेशन वाज राजू को. एक एप्लीकेशन तो हो गई. It gives the idea about extent of reaction. Number two, it gives an idea about the direction of reaction. It also gives an idea about the direction of reaction. कि reaction किस दिशा में जा रहा है. Forward जा रहा है, backward जा रहा है, या equilibrium पर है. ये भी कैसे से मालूम चल जाता है. कैसे मालूम चलता है जरा सो समझ लो. कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और सी प्लस डी. एक चीज होती है रिएक्शन कोशेंट. क्या होता है रिएक्शन कोशेंट. टी आई ई एन टी. इसको बोलते हैं क्यूसी. क्यूसी क्या होगा. C
सी डी ए एन बी, ये बात समझ में आई? सर जी ए इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, तब है ये क्यू सी निकालते हैं। हाँ ठीक है सर, ये बात समझ में आपको? हाँ गुण? यस सर। मतलब क्यू सी इज अ जनरल टर्म। हाँ और जब इक्विलिब्रियम में होता है तो क्यू सी को केसी कहते हैं। हाँ ओके मतलब क्या होता है, रिएक्शन की कोशिश होती है इक्विलिब्रियम पर आने के लिए। रिएक्शन की कोशिश क्या होती है? इक्विलिब्रियम पे आने के। जैसे पारस का वेट है 70, मशीन दिखा रही है 80, तब क्या होगी मशीन की कोशिश? आगे बढ़ेगी या पीछे बढ़ेगी? पीछे। पीछे आएगी। फिर मशीन ने दिखा दिया 60, अब मशीन क्या करेगी? आगे जाएगी। आगे जाएगी। इसी तरह से QC इज मोर देन KC, KC तो पारस का वेट है, तो रिएक्शन किधर जाएगा? KC की तरफ, बैकवर्ड, पीछे। इफ QC इज लेस देन KC तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। ये बात समझ आई सर? पर अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है रिएक्शन तो हम केसी कैसे निकालेंगे? हर रिएक्शन का केसी फिक्स होता है। ओके केसी हर, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, पानी चाहे तुम यहां का लो चाहे अमेरिका का लो, 100 डिग्री का फिक्स है। अगर आप मेरे से कहते हो कि सर हमारे पानी में टेम्परेचर 110 आ रहा है, अब टेम्परेचर किधर जाएगा? मैं कहूंगा ये 100 की तरफ आएगा, नीचे जाएगा। अगर टेम्परेचर 80 आ रहा है तो ये 100 की तरफ जाएगा, आगे जाएगा। केसी रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, तो किसी भी टाइम रिएक्शन में कोई जाएगा, वैल्यूज नोट करेगा, जाके तो समान है QC निकाल लेगा, फिर बता देगा रिएक्शन आगे बढ़ रहा है पीछे जा रहा है। समझ में आया? यस सर। अभी आप देखो जो मेरे पास ये है, ये पेज नंबर है 206, रख दो उसको। 206 पर एक प्रॉब्लम है नीचे की तरफ, प्रॉब्लम 7.7 सॉल्यूशन भी है, दिखाई दे रही है आपको, जहां पर यह प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, देखा? सर 199 पे मिला है मेरे को तो, ये मुझे भी मिल गया ना, लेकिन हाँ जी सर। क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है जो बताना? वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन 2A। हाँ हाँ हाँ, ये कर पाओगे? हाँ जी सर। सर बैकवर्ड होगी ना प्रोसीड? बैकवर्ड होगा क्योंकि केसी वैल्यू क्यूसी वैल्यू ज्यादा कम है, क्यूसी की केसी से ज्यादा है, ज्यादा है तो रिएक्शन भी बैकवर्ड। वेरी गुड। सक्षम जैन? यस सर। ठीक है, आ रहा सुनने? यस सर। पारस? आ रहा सर। आप कहते पारस वर्मा? पारस लूथरा। पारस लूथरा, अच्छा
पारस, अच्छा मैं भी एक बच्चे को पढ़ा के आ रहा हूँ, अभी लूथरा है, मतलब वो लड़की है इशरा लूथरा। अच्छा वही कह रहा हूँ, लूथरा बड़ा फेमस हो गया आजकल, हटा दू? हाँ जी, चलिए ये हटा दें। तो हमको समझ में आ गया व्हाट इज केसी, व्हाट इज क्यूसी, रिलेशन बिटवीन केसी एंड क्यूसी, एप्लीकेशन ऑफ केसी, ये हमने कर लिया। अब एक छोटी चीज लिख लो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मैंने होता सेम, इफ द रिएक्टेंस एंड द प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज, व्हेन ऑल द रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज, तो रिएक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री, ये भी गैस है। ये बात सुनिए आपको, हेट्रोजीनियस व्हेन द रिएक्टेंस एंड the products are present in different phase, उसको बोलते हैं हम लोग heterogeneous equilibrium। जैसे कि CaCO3 solid, ये दे देगा CaO solid plus CO2 gas, सॉलिड भी है और गैस भी है, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ गई? यस सर। पारस आ गई सर। चलिए एक चीज मैं और कर दूं फिर उसके बाद बंद करते हैं, इसको आगे सर। तो वाइल्ड राइटिंग the expression for KC in heterogeneous equilibrium reaction, we ignore the solid and liquid terms. As their concentration will remain the same. तो उसके लिए किसी क्या लिखेंगे हम लोग, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, this will be CO2 only. समझ में आया? यस सर। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की यूनिटी होती है ना कंसेंट्रेशन? हाँ यूनिटी होती है, ठीक है। गुड सर, लास्ट में क्या लिखा है, एज देयर कंसेंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन द सेम, ओके सर, विल रिमेन द कांस्टेंट, लिख दो कांस्टेंट। ठीक है, अभी एक्सरसाइज में आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 7.4 हटा दो उसको, 7.4 इसमें करो सेकंड, थर्ड, एंड फोर्थ। करो जरा, हो रहा है? यस सर। सेकंड का क्या है आंसर? NO2 raised to power 4 into O2। वेरी गुड। द कंसंट्रेशन। और थर्ड का? सर CH3COH कंसंट्रेशन into C2H5OH की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COC2H5 की कंसंट्रेशन। वेरी गुड। आपका गुण सेम आ रहा है? यस सर। सक्षम आपको समझ आ रहा है? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। तो पूछते क्यों नहीं फिर आप? सर नहीं, मैं ट्राई कर रहा था ना। हाँ? सर ट्राई कर रहा था। चलो करो करो जल्दी करो बेटा, बोला करो ना, बीच बीच में अच्छी हो जाती हो। जब अच्छी हो जाएगी मेरी क्या आलम चलेगा। मैं तो आपकी आवासी आपको समझ पाता हूँ ना, आप बोलोगे नहीं तो नहीं आएगा। आप अपना वीडियो ऑन कर दिया करो ना कैमरा, जिससे मुझे पता चल जाए क्या कर रहे हो आप। सर करवा दो आप। तो आप करवा दो। क्या कह रहे हो? आप करवा दो। अच्छा, जैसे कि हम लोग अगर बात करें, ये कौन सा था 7.4 ना, हाँ, ये सेकंड की बात करें हम लोग, सेकंड है 2CuNO3 होल ट्वाइस सॉलिड गिविंग राइज टू 2CuO सॉलिड प्लस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। अब आप मैंने देखा कि जब भी हम लोग KCK लिखेंगे तो इसको और इसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज दे आर सॉलिड। वी विल राइट ओनली गैस और लिक्विड इफ इट इज नॉट ए सॉल्वेंट। तो KC विल बी O2 एंड ये बात समझ आई आपको? यस सर। अभी थर्ड देखो उसका या फोर्थ देखो, Fe3+ एक्वस प्लस 3OH- एक्वस गिविंग राइज़ टू FeOH3, दिस इज सॉलिड। व्हाइल राइटिंग द एक्सप्रेशन विल इग्नोर दिस। तो केसी क्या हो जाएगा हमारा, 1/ Fe3+ एंड OH- की पावर 3। ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यस सर। पक्का? यस सर।
हटा दो उसको. यस हम हाँ सर हटा दो. ठीक है, हमने लिखा है केसी कंसंट्रेशन टर्म में. अगर हमारे पास गैसीय स्टेट में हो तो प्रेशर के टर्म में भी दे सकते हैं हम लोग, तो प्रेशर टर्म बन जाएगा केपी. जैसे कि अगर मैं लिखता हूं एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस इसके लिए मेरा केसी क्या हो गया? और केपी क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, मतलब प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर प्रेशर ऑफ एन टू इंटू प्रेशर ऑफ एच टू. ये पार्शियल प्रेशर बोलते हैं उसको. ये बात समझ आई आपको? यस सर. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते कंसंट्रेशन और प्रेशर. हाँ सर, पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. हाँ हाँ, प्रेशर बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. ठीक है सर. हम लोग ये समझ आ गया आपको उतना? हाँ जी. अभी लिखो रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बोथ द केपी एंड केसी आर द सेम बट दे do differ from each other only in gaseous phase as note ke liye hi aage hata do. यस सर. हाँ जी सर. अच्छा, इसको नीचे कर आए दुकान में. सक्षम समझ रहे हो ना? यस सर. आप बीच में कुछ बोला करो सक्षम, चुप रहते हो ना, लगता है आप हो भी कि नहीं हो. और आप एक काम क्यों करो, आगे से ना ये कैमरा ऑन कर दिया करो जिसका हो सकता है, उसे पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है. वो लगता कि मैं हवा में पढ़ा रहा हूं. ठीक है, ये बात समझ आई आपको? हम लोग जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी. एन बाई वी होता है कंसंट्रेशन, तो पी इज इक्वल टू सी आर टी. ये बात समझ आई आपको? यस सर. यस सर. अगर मैं यहां पर ये लिखूं प्रेशर के टर्म में लिखूं तो उसको लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ पी एस सी आर टी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एन एस थ्री की पावर टू और आर टी की पावर टू स्क्वायर है प्रेशर का, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एन टू आर टी. ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एच टू पावर थ्री आर टी पावर थ्री. ठीक है, और इसको मैं लिखता हूं ये और ये और ये. ये तो बन जाएगा केसी, केसी इंटू आर टी रेस्ट पावर ये टू है, ये वन और थ्री फोर माइनस फोर. ये बात समझ आई आपको? आ गई सर. गुण आपको? यस सर.
सक्षम 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 बोल रहे क्या हुआ नहीं हो यस सर आगे समझ में यस सर तो ये क्या हुआ कि और ये आर टू टू माइनस फोर क्या है ये टू तो है प्रोडक्ट्स और फोर है रिएक्टेंट्स हम बोलेंगे केसी इंटू आर टी रेस्ट पावर डेल्टा एन जी डेल्टा एन जी ठीक है सर डेल्टा एन जी मतलब बताता हूं डेल्टा एन जी का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन गैसेस फेज जैसे दो माइनस चार टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन द गैस फेज ठीक है यस सर पारस यस सर राजू सर एक सेकंड देखिए हाँ हाँ लिख लिया दू अगर रिएक्शन हमारा ऐसा हुआ H2 गैस प्लस I2 या Cl2 गैस ये H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव रेस टू टू एच सी एल गैस तो यहां पर दो है यहां पर दो है तो डेल्टा एन जी विल बी जीरो तो केपी इज इक्वल टू केसी ये बात समझ आ गई सर चलिए अभी आप देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सर वो क्या इक्वेशन थी एक बार वापस लिख दो कौन सी वाली सर पिछले वाला अब जी लास्ट में करवाई क्या था सर H2 गैस प्लस Cl2 ये Cl2 गैस गिव राइज टू 2HCl गैस देन Kp इज इक्वल टू Kc ओके सर अभी 7.5 करो फर्स्ट पार्ट सर दोनों केसी इनटू आरटी आ रहा है हैं सर केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आरटी आ रहा है दोनों में दोनों कौन से में सर 7.5 करना है ना हाँ फर्स्ट पार्ट करो पहले तो क्या हो जाएगा पहले वाला केसी इनटू आरटी आ रहा है केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रिस्ट पावर कितना आ जाएगा ये प्रोडक्ट है 3 रिएक्टेंट 2 है हां जी सर 3 माइनस 2 केपी इक्वल टू केसी आर टी तो केसी क्या हो जाएगा केपी
इंटू आर टी रेस्ट पावर माइनस वन, तो केपी को रखिए आर हो जाएगा 0.082 और टी कितना दे रखा है 500, ठीक है? यस सर, कर लोगे ना? सेकंड पार्ट देखो, इसमें डेल्टा एनजी कितना होगा सेकंड पार्ट में? सर वन ही होगा, वन ही होगा, वेरी गुड, समझ में आ गया? आ गया सर। गुण को भी आ गया? यस सर आ गया। यस सर, करा दूं? अब हमको ये समझ में आ गया केपी केसी क्या होता है, उनकी बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन पता चल जाती है, और रिएक्शन का एक्सटेंट कितना हुआ ये भी मालूम चल गया निकालना, रिवर्स डायरेक्शन में इन्वर्स हो जाएगा सब हमको मालूम चल गया। इतना क्लियर है जी तुमने किया अभी तक? हाँ जी सर। अभी लिखो जो करने की चीज है, फाइंडिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, अभी आप क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन कराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना। आप निकालो क्वेश्चन नंबर 7.9, ये पहले पढ़ो ध्यान से। पढ़ लिया? और लोग गुम हो जाते हैं बिल्कुल, समझ में आया कुछ? सर समझ तो आ गया लेकिन ये नहीं पता कि आंसर कैसे निकालना। अच्छा जी, आपको गुण आपने पढ़ लिया? यस सर। सक्षम आपने? यस सर। अब मैं करने सिखा रहा हूं, आप ध्यान से सीखना। ये लिखा हुआ है 2NO, ये पढ़ा ना आपने भी? हाँ यही पढ़ा है। यस सर। चलो शाबाश। और ये दिया है 2NOBr। यस। और ये हमारा एनओ कितना दिया हुआ है 0.087 और Br2 कितना दिया हुआ है 0.0437। यह है इनिशियली, इनिशियली इन दोनों मिस कर दिया तब ये जीरो था, रिएक्शन चलता रहा तो ये बनेगा, ये बात समझ आई? जब इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलकर ये लोग ये बनाएंगे। यस सर। ये जो बनेगा ना, इसको ध्यान से देखो ना, इसको जो बनेगा इसको हम लिखते हैं 2x, मतलब जो ये कोफिशिएंट होता है उसका हम लिखते हैं 2x, ठीक है? ठीक है। ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये खत्म कम होगा, ये कितना कम होगा x जो कोफिशिएंट है 0.0437 माइनस एक्स, और ये 0.0837
सेवन माइनस टू एक्स, ये बात समझ में आई आपको? नहीं सर। नहीं सर। दोबारा ध्यान से पूछ लिया, ध्यान से देखा करो आप। पहले हमने इन दोनों को मिलाया, तब ये था नहीं, रिएक्शन होता रहा, ये भी बनता रहा, ये कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा इस कोफिशिएंट के ऊपर। ये टू है तो मान लेते टू एक्स बनाइए, ठीक है। अगर यह थ्री होता तो मैं लिखता थ्री एक्स, ये बात समझ आई सर? पर ये तो दिया हुआ है 0.0। मैं अभी अभी हमें मालूम नहीं, मानो नहीं दिया होता, हम कितना लिखते इसको? 2x। तो जितना ये तो बनेगा, ये कम होगा, कितना कम होगा उसी प्रोपोर्शन का, यहाँ 1 है तो 1 के हिसाब से कम हो जाएगा ये 1x, और ये कितना कम होगा 2x, ये 2 नंबर लिखा ना, तो 2 के हिसाब से कम हो जाएगा ये। ये बस समझ में नहीं आई सर, 0.0872x है। हाँ, 0.087 माइनस 2x। हाँ माइनस 2x, एक टू भी इतना कम हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि 2 था, 2 कम हो जाएगा, ये 4 होता तो 4 हो जाता है। ये बस समझ में आई आपको? यस सर। और 2x की वैल्यू हमको दे रखी है, एक टू भी पर कितना बना ये 0.0518, ये इतना बना, ठीक है ना? तो ये कितना रह जाएगा? माइनस 0.0518। ठीक है, ये इतना रह गया, और ये कितना रह जाएगा? एक्स कितना हो गया? डिवाइड 2, ये कितना रह जाएगा? माइनस 0.0259। ये इतना बचा, आंसर चेक करो सर। यही आ रहा था मेरा भी। हाँ, मेरा यही आ रहा था, मैं निकाला यही आ रहा था। हाँ जी, आंसर पीछे देखो क्या है। सर यही है। समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? हाँ, आ गया सर। गुण आपको आ गया सर? पक्का ना सर? तो ये जो 0.0352 है, ये 2NO का है या सिर्फ NO का है? ये NO का है एट इक्विलिब्रियम। ओके, 2NO और NO एक ही तो बात हुई। मतलब कंसंट्रेशन NO की होती है ना, टू तो कोफिशिएंट। ये मेथड एक्सपेरिमेंटली निकाला है या इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन भी है? किसके पीछे एक्सप्लेनेशन है या ये एक्सपेरिमेंटली मेथड निकाला है? नहीं, एक्सप्लेनेशन ही तो है ये। अगर इसके 2 मोल खर्च होते हैं तो उसके 2 मोल बनते हैं, इसका 1 मोल कंज्यूम होता है, इसका 2 मोल बनते हैं। मतलब इसके 2 मोल बनते हैं, इसका 1 मोल कंज्यूम हो जाता है। हाँ जी, इसके 2x बनेंगे तो इसका x कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है सर। इसके 2x बनेंगे से 2x कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ठीक है, इट इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। समझ में आया कि नहीं आया सर? अगर हमें NOBR की वो नहीं दी होती, फिर हम नहीं निकल पाते। ओके, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं दिया तो हम करते ही ना। आप 11th में ना होते तो हम ये पढ़ाई ना करते। अगर 2NOBR का 0 नहीं होता तो होता है, मतलब ऐसा होता है कि 0 ना हो। हाँ, कई बार ये भी तो शुरू में भी डाल के दे देते। मतलब अपने क्वेश्चन में क्या करते, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, थोड़ा ये भी डाल दिया, तो ये और बढ़ता जाएगा।
जो यहाँ पर जीता था वहां से आगे बढ़ जाएगा। सपोज यहाँ पर जो था 0.023, हम लिखते एच इक्विलिब्रियम 0.002 प्लस 2x, फिर ऐसे कर लेते बाकी को। ठीक है, समझ अगर प्रोडक्ट्स और भी होते फिर? अब बेटा इतनी अभी और क्वेश्चन करते हैं, अगर और प्रोडक्ट भी होते मान के चलो, हटा दो उसको, बहुत गब्बर से बोल रहा हूं मैं, हटा दो उसको। यस सर, पहले और प्रोडक्ट वाला देख लेते, मैं बता दूं कैसे होता। अगर होता 2a प्लस 3b गिविंग राइज़ टू 4c प्लस 6d, ऐसा होता मैक्सिमम। हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पर आगे कितना बन जाएगा ये, ये सब शुरू में था 6 मोल, ये थे 8 मोल, ये 0, ये 0, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 8 minus 3x, ये हो जाएगा 6 minus 2x, ऐसे ही करना है। फिर जो वैल्यू होगा पुट कर देंगे, समझ में आया? आ गया सर। यस सर। चलिए अभी 7.10 फॉरवर्ड बढ़ो, हो जाएगा ये नहीं हो जाएगा, हाँ ना करते जाओ। 7.10 हो जाएगा सर। अब 1.1 देखो, 7.11 ये हो जाएगा आप करवा दो। ये देखो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने सक्षम? यस सक्षम, यस सर पढ़ लिया, पढ़ लिया। चलो देखो अभी ये है 2HI यू राइज टू H2 गैस प्लस I2 गैस। ये कह रहे हैं शुरू में इसके प्रेशर था 0.2 atm, ये लिखा ना एच ए प्लेस प्रेशर 2.8 atm, ये जीरो था, ये जीरो था उस टाइम में। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन होगा ये बनेगा, जितना ये बन रहा उतना ये बन रहा है, ये x बना, ये भी x बना, ये 0.2 माइनस 2x कम हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। और इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 0.2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.04, तो 2x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.04 इजिकल टू 0.16, एक्स इजिकल टू 0.08। इतनी बार समझ आ गया आपको? यस सर। ये हो गया 0.08, ये 0.08, ये 0.04 है ही, तो केपी क्या हो गया 0.08 इंटू 0.08 डिवाइड बाई 0.04 इंटू 0.04। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, फिर से करवा दो। अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन, मैं पढ़ती हूँ ध्यान से क्वेश्चन में लुक क्या लिखा है। शुरू में ये था ना HI, यस सर, 0.2 प्रेशर पर लिया हमने, यस सर, तो जब टू तब ये तो ना ये था ना ये था उसमें इनिशियली, ये था धीरे धीरे रिएक्शन होता रहा, ये बनते रहे इक्विलिब्रियम पर आके क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, ये मानो एक्स बना तो ये भी एक्स बनेगा, जितना ये उतना ये, यस सर, ये कितना रह जाएगा 0.2 माइनस 2x। ठीक है, यस सर। इसकी वैल्यू में दे रखी है 0.04,
इक्विलिब्रियम आके अच्छा 0.04 बचता है। यस सर। और इससे एक्स वैल्यू निकल गई हमारी 0.08। यस सर आ गया। मतलब ये 0.08 है, ये भी 0.08 है, ये 0.04 है, के फिगर निकालनी है। ठीक है सर। पारस सर निकल गया आंसर, चेक भी कर लिया। वेरी गुड, ठीक आ गया। हाँ जी। अच्छा इसका नेक्स्ट तो कर लोगे ना, 12.7.12 कर लोगे ना? हाँ जी सर। 13 में कर लिया। हाँ 13 के लिया। 14 क्या है? 14 H2O प्लस CO, ये सब गैस में है। H2 प्लस CO2, ये सब गैसेस फेस में है। हो जाएगा ये। सर एक बार ये वाला आप क्वेश्चन करा दो। ये वाला ना? हाँ जी। ये 1 मोल लिया हमने, ये 1 मोल ले लिया, ये भी 1 मोल ले लिया, ये 0, ये 0 इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या कह रहे हैं? 40% ऑफ वाटर बाई मास रिएक्ट विद CO, मतलब जितना ये रिएक्ट करता है उतना रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल, यही होता है ना? हाँ जी सर। उसका भी 1 मोल बनता है, इसका भी 1 मोल बनता है। हाँ जी। ये कह रहे हैं 40% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 60%। ये बचा 0.6 मोल, ये 0.6 मोल, ये 0.4, ये 0.4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई समझ गया सर। हाँ समझ गया। तो हमारा केपी क्या हो जाएगा? एक बार वापस बता दो। 0.4 × 0.4, 0.6 × 0.6, 2323, 4/9. देखो आंसर क्या पीछे। सर यही है, उसने आ गया डिवाइड कर दिया। हाँ गुण बेटा आपको क्लियर हुआ? यस सर। बिल्कुल। एक और बार बता दो। हैं? एक और बार बता दो। एक और आप देखो सर यही वाला कह रहा है वो शायद। ये सक्षम बोल रहा है क्या? हाँ जी। अच्छा बेटा तुम्हें अच्छा अच्छा हाँ सही है सही है। अब ये देखो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, दोबारा से करूंगा तो समझ में आएगा, वरना वो कपड़ समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना, पहले इसकी थ्योरी देखो आप। इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है तो 1 मोल H2 बनता है, 1 मोल CO2 बनता है। ये बात सुनिए आपको। यस सर। मतलब जितना ये कंज्यूम होगा उतना ये बनेगा,
जितना ये कंज्यूम होगा उतना ये कंज्यूम होगा, उतना ये बनेगा उतना ये बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मेन बात थी, जितना ये कंज्यूम होगा उतना ही ये कंज्यूम हो रहा है, उतना ये बन रहा है उतना ये बन रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है आपको? हमने शुरू में इसका एक मोल लिया था, इसका भी एक मोल लिया था, अभी इन्होंने रिएक्शन शुरू करा, रिएक्शन में कह रहे 40% ये इस्तेमाल हो गया, मतलब कितना इस्तेमाल हो गया 0.4, एक का 40% कितना था 0.4, 0.4 इसका इस्तेमाल हुआ तो 0.4 ये इस्तेमाल हो गया, तो 0.4 ये बना, 0.4 ये बना एट इक्विलिब्रियम, और ये कितना बचा, 1 में से 0.4 चला गया तो 0.6 एंड 0.6। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर, जान नहीं आ रही आपको? समझ नहीं आया मेरे ख्याल से भी आगे 1 में से 6 निकाला था अभी, मतलब 6 कंज्यूम हुआ तो 0.4 बचा ना, 6 कंज्यूम हुआ 6 बचा तो 4.4 कंज्यूम हुआ, ये जितना कंज्यूम हुआ उतना ये बना, इसका 40% कंज्यूम हुआ मतलब 0.4 कंज्यूम हुआ तो 0.4 ये बना, ठीक है सर, और 0.4 कंज्यूम हुआ तो 0.6 ये बचा, ओके सर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो अब क्वेश्चन लिख लो जो आपको करने है। एक तो करना 7, मैं डाल देता उसको 7.8, सर तो उसमें जो पूछा हुआ है इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, वो है या नहीं, वो क्यूसी निकाल के पता चलेगा ना, पहले क्यूसी निकालना, ओके सर, 7.15, 7.16, 17, 18, 19, 20, 21 और 23, बस इतने कर लेना, ठीक है, डाउट होगा कि मैं पूछना, और एक काम और करना सबको, तुम तीनों को ये पढ़ के आना, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, क्या बोला मैंने, ली चैटेलियर, CHATLIER, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है सर, सक्षम, यस सर, आप ये मत कहना कि लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मैं पढ़ा समझ में आया, जैसा भी है याद करके सुनाना मेरे को, समझ में आए या ना आए वो मेरी जिम्मेदारी है, याद करना आपका काम है, ऐसा कैसा, ठीक है, गुण, यस सर, ये मत कहना कि सर लैंग्वेज बड़ी टफ थी मेरे को समझ नहीं आया मेरी पढ़ाई नहीं, आप याद कर लेना जैसा भी हो, बाकी डिस्कशन याद करेंगे, ठीक है, ओके सर, इतना ही।